हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरसात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूली के पराठों की रेसिपी। अगर आपके मूली के पराठे सौगी बनते हैं, बहुत ज्यादा तेल या घी पी लेते हैं, या फिर वो फटे फटे बनते हैं, या उनको बेलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मूली में होता है ढेर सारा पानी, तो आज आप इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत डिफरेंट और यूनिक तरीके से मैं बनाऊंगी आज मूली के पराठे, जिससे कि आप इन मूली के पराठों को रोज और बार बार बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मूली के पराठों को बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप फ्रेश और मोटी मूली लें। तो यहाँ पे मैंने ये लगभग आधा किलो मूली है, जिसके मैंने अच्छे से जिसको छील लिया है, वॉश कर लिया है, और आप देख सकते हैं इस टाइम पे इस पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इसको हम मोटे कद्दूकस, मतलब जो बड़ा जो ग्रेटर होता है, जो मोटा वाला होता है, उससे हम इसको ग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे मूली घिसने के बाद ये है मेरे पास 1 इंच अदरक का टुकड़ा, तो अदरक को भी हम इसी तरह ग्रेट कर लेंगे। अगर आपके घर में अदरक खाना नहीं पसंद करते हैं तो बिल्कुल फाइन वाले ग्रेटर से आप इसको ग्रेट कर सकते हैं। अब इस टाइम पे हम मूली को हल्का सा दबाते हुए इसका थोड़ा पानी निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा स्क्वीज नहीं करना है, देखिए। और इस पानी को अभी हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम स्टोर कर लेंगे और आगे हम रेसिपी में अगर रिक्वायर्ड होगा तो उसको यूज़ करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि मूली बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए, बस हल्के हाथ से आप इसको निचोड़ लें। इसमें अब मैं ऐड करूँगी ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। नेक्स्ट मैं डालूँगी इसमें 1 कटी हुई हरी मिर्च। अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इसमें कुटी हुई सौंफ 1 से 1.5 चम्मच, 1 चम्मच भर के धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी अजवाइन, तो अजवाइन को हल्का सा क्रश करके यूज करें, थोड़ा सा भुना जीरा, और इसमें हम डालेंगे नमक। इन सभी चीजों को हम फोक से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे आप इसको टैंगी फ्लेवर देने के लिए या तो इसमें अमचूर डाल सकते हैं, अनारदाने का पाउडर डाल सकते हैं, या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। बट नींबू का रस थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि अगेन वो उसको थोड़ा सा वाटरी कर देगा। इसमें मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। ये पराठे इतने फ्लेवरफुल और टेस्टी बनते हैं कि इसके साथ आपको किसी अचार की या चटनी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हैं आप, इन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से आप इसमें सारे मसाले लगा करके इसको बस 5 मिनट के लिए छोड़ दें। इसे होगा क्या कि मूली में जब मसाले नमक लगेंगे तो वो थोड़ा सा श्रिंक होगी और सारा जो पानी है वो ऊज आउट होना शुरू हो जाएगा। तो 5 मिनट के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गेहूं का आटा ऐड करेंगे। जी हाँ, यही डिफरेंट तरीका है इन पराठों को बनाने का। तो जो भी मॉइस्चर ऊज आउट हुआ होगा मूली में से, उसकी मदद से ये जो आटा है वो इसमें बाइंड हो जाएगा। आप इसमें गेहूं के आटे के साथ चने का आटा भी मिक्स कर सकते हैं, उससे भी मूली के पराठों का स्वाद और भी बढ़ के आता है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि मूली की क्वांटिटी अच्छी होगी तभी मूली का स्वाद आएगा इन पराठों में। तो आटा आप कम यूज़ करें और मूली ढेर सारी। ये देखिए कितना सॉफ्ट आटा हमारा लग के तैयार हुआ है। और अगर आपको इस आटे को लगा के भी रखना है तो थोड़ा सा हार्ड लगाएं इस आटे को, क्योंकि जब आप रेस्ट करेंगे तो और पानी इसमें ऊज आउट होगा और ये जो आटा है वो ढीला पड़ जाएगा। इसमें मैं आधी कटोरी आटा बस और ऐड कर रही हूँ। तो हमारा ये आटा लग करके बिल्कुल तैयार है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ये बहुत चिपक रहा है हाथ में और ना ही ये बहुत हार्ड है। तो इस तरह से अगर आप आटे का डो लगाएंगे, मूली और आटे का, तो इससे आपके जो पराठे हैं ना वो फूले फूले भी बनेंगे और सॉफ्ट रहेंगे काफ़ी लंबे टाइम तक। अगर आप इसको बहुत हार्ड लगाएंगे इस आटे को तो वो कड़क बनेंगे, गर्मा गर्म खाने में तो अच्छे लगेंगे बट थोड़ी देर रखने के बाद वो कैड़े हो जाएंगे। तो इसको हम कवर करके रेस्ट करेंगे करीब 10 मिनट के लिए, और तब हम अपने पराठे बनाना शुरू करें। आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए जिस कंसिस्टेंसी का हमने आटा लगाया था बिल्कुल वैसा ही है, कोई लूज नहीं पड़ा है।
इसको एक बार हम इस तरह से मल लेंगे और इसके जितने मोटे पराठे आप बनाना चाहते हैं उतना पोर्शन लेकर के आप इसका पेड़ा बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये पेड़ा लिया है और यहाँ पे हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए इसका पराठा बेल लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी मैसी नहीं हो रहा है इसको बेलना, और जितना पतला जितना मोटा आप बनाना चाहते हैं उतना ही आप इसको परफेक्ट बेल सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लोहे का तवा लिया है और आज मैं इन पराठों को सेकूंगी सरसों के तेल में। तो अगर आप इनको ऑयल फ्री पराठा बनाना चाहते हैं या मूली की रोटी बनाना चाहते हैं तो आप इनको बिना ऑयल से भी सेक सकते हैं। तो बस हल्का सा मैंने ऑयल रिजर्व किया है तवे पे इस तरह से, और इसको एक किचन टॉवल से क्लीन कर लें और बस इस पे अब हम अपना पराठा सिकने के लिए डालेंगे। इन पराठों को आप लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करें जिससे कि अंदर तक अच्छे से पक सके। जैसे ही हल्का हल्का सा इनका ऊपर से कलर चेंज होगा तो इन पराठों को हम फ्लिप कर दें। तो आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट गोल्डन कलर इन पराठों पे आया है। तो इस टाइम पे हम ऑयल बिल्कुल नहीं लगाएंगे। होता क्या है, ऑयल लगाने से वो ऊपर ऊपर से तो कलरफुल बन जाते हैं बट अंदर तक पराठों की सिकाई अगर आप करना चाहते हैं तो पहले उनको दोनों तरफ से बिना ऑयल के हल्का कुक होने दें और उसके बाद उन पे ऑयल या घी लगाकर उनको करारा सेकें। उससे अंदर से भी पराठे खस्ता बनेंगे और ऊपर से भी अच्छा कलर आएगा। देखिए अब हल्के हल्के लाइट ब्राउन कलर्स आने स्पॉट्स आने लगे हैं पराठों पे। इस टाइम पे मैं थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करूंगी और इसको दबा दबा करके सेकूंगी। इस तरह से फिराते हुए अगर आप सेकेंगे तो पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ पे आप इसी तरह के स्पैचुला का यूज करें, छेद वाले स्पैचुला का यूज ना करें, उससे अच्छे से प्रेशर नहीं लगता है पराठों पे और फिर वो करारे नहीं बनते हैं। जैसे ही कलर हल्का सा चेंज होगा हमारे पराठों का तो हम इसको फ्लिप कर देंगे और ये लाइट स्पॉट्स इंडिकेशन है कि हमारा पराठा हल्का हल्का सिकना शुरू हो गया। जब तक हमारा पराठा सिक रहा है हम पैरेलली दूसरे पराठे को बेल के तैयार कर देंगे। सूखा आटा बिल्कुल स्टार्टिंग में ही लगाएं और मैक्सिमम हो सके तो बस एक से दो बार ही सूखा आटा अप्लाई करें और इस तरह से इवनली बेलने की कोशिश करें पराठों को। जब तक आपका पराठा बेलेगा और यहाँ पे हमारा पराठा हल्का हल्का दूसरी तरफ से भी कलर चेंज हो गया तो बिना ऑयल यूज करें आप देख सकते हैं हल्का कलर चेंज हुआ है। इस टाइम पे हम ऑयल ऊपर ड्रिजल करेंगे और इसको फ्लिप कर देंगे और इसको इस तरह से उंगली से फेरते हुए पराठों को करारा और क्रिस्पी सेकेंगे। अक्सर आपने देखा होगा पराठों को पराठे के साथ हम दही अचार या चटनी लेते हैं लेकिन इन गर्मा गर्म पराठों को आप चाय के साथ यूं ही एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार लगते हैं ये फुल ऑफ मूली एंड मसालेदार पराठा। तो फ्रेंड्स आई होप आज की आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसी टेस्टी हेल्दी येट इजी टू मेक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।